नमस्कार जी सभी को। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था, हम ले आए हैं आज अपना अगला लेक्चर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, जैसे हमने डील किया पिछले लेक्चर के अंदर फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ, फिजिक्स के डोमेन्स के साथ, और हम लोगों ने वहाँ पे बात भी की कि इट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट कि ये बहुत ही थोड़े से लॉज के साथ डील करता है। और यूनिफिकेशन की जो अप्रोच थी कि इसने उन्हीं लॉज के साथ पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स कि देयर एग्जिस्ट ओनली फोर फोर्सेज इन नेचर। सिर्फ चार ही टाइप की फोर्सेज हैं, इसके अलावा आपको कोई पांचवी फोर्स नहीं मिलेगी। इन चार टाइप की फोर्सेज के इर्द गिर्द ही पूरे के पूरे जितने भी फिनोमिना, जितने भी इंसिडेंट्स आप सोच सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आप देख सकते हैं, वे सारे के सारे इनके चारों तरफ ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो चार टाइप की फोर्सेज, आगे इनकी कैटेगराइजेशन हो सकती है, इनकी टाइप्स हो सकती हैं, इनके बीच में से निकल के आ सकती हैं। रादर फिजिसिस्ट्स आर ट्राइंग टू क्लब ऑल दीज फोर फोर्सेज, थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन चारों को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो पाएं। तो फिलहाल दो दो के कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन इनके हो चुके हैं, बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्सेज। नेम से ही जैसे क्लियर है, या आप लोगों ने लोअर क्लासेज में भी पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं, दीज आर फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज, बिटवीन बॉडीज हैविंग मास। यूनिवर्स के अंदर जिन भी बॉडीज के पास मास है, उनमें एग्जिस्ट करने वाली जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस टैबुलेटेड फॉर्म में बना के आपको करवाऊंगी ताकि एक ईजी हिरार्की के अंदर, ईजी मेथडोलॉजी के अंदर आपको ये लर्न भी हो जाए एंड और हमेशा आपकी मेमोरी में भी ये रिटेंड रहे। तो ये जो फोर्स है, ये हमें समझ आ रहा है कि हर यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, जिस भी चीज़ के पास मास है उसके ऊपर ये फोर्स लगेगी दूसरी की वजह से। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स ट्राई टू अट्रैक्ट अनदर बॉडी बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि मैं हूँ, बोर्ड है, ये चौक है, डस्टर है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू दिस फोर्स। अब आप कहेंगे कि अगर अट्रैक्शन है तो हम लोग एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, क्यों एक रोड एक्सीडेंट्स की तरह बस ये इसमें टकराया, ये उसमें टकराया। जो गेम होती है एक कि आप लोग कार्स में बैठ गए, एक दूसरे के साथ टकराते हुए इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होता। अरे भाई, अगर हमारे बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अर्थ के साथ भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ इज़ अ वेरी ह्यूज मास एज कम्पेयर टू अस, तो वो अर्थ भी तो हम लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज वेरी वेरी बिगर एंड मच लार्जर एज कम्पेयर टू फोर्स बिटवीन मी एंड दिस डस्टर। दैट इज वाई ना तो मैं डस्टर के साथ टकरा रही हूँ, ना डस्टर मेरे साथ अपने आप टकरा रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसने ही जो चीज़ जहाँ है उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई फोर्स बिटवीन मासेस, और ये जो वीक फोर्सेज हैं, दिस इज फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनको पार्टिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। डब्ल्यू बोजोन, जेड बोजोन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत आगे हायर क्लासेस में एमएससी के स्टूडेंट्स को समझ आ रही होगी बात। बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, इवन स्मॉलर देन न्यूट्रॉन प्रोटोन से भी बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके बीच में जो फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं वो फोर्सेज हैं वीक फोर्सेज। और वीक फोर्सेज के बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चार्जेस का है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन, इनके साथ डील करने वाली जो फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, चाहे वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो, अगर रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी। तो रेस्ट और मोशन चार्ज के रेस्ट और मोशन में होने की वजह से जो फोर्स आ जाती है, चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मूवमेंट कर रहा है तो मैग्नेटिज्म भी आ जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाती है फोर्स। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, जो आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, वहाँ पे जिस फोर्स के साथ डील किया जाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कमिंग ऑन टू स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। तो नेम से ही क्लियर है, ये जो फोर्स होगी, दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स,
न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस फैमिली के मेंबर। न्यूक्लियस फैमिली के मेंबर कौन से? हमें पता है कि एटम की स्ट्रक्चर सेंटर पे न्यूक्लियस भाई साहब हैं और इनके चारों तरफ ये छोटे 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 इलेक्ट्रॉन भैये जो हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अंदर प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दोज आर टर्म्ड एज न्यूक्लियॉन्स। और इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एकदम से उछल के या जंप करके बाहर क्यों नहीं आ जाते? एज सच हमें पता है कि दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली ऑल्सो, तो वो अंदर क्यों बाउंड होके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? किस फोर्स ने उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है? वो कौन सी है? स्ट्रांग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। इतना हमें समझ आ गया कि कौन सी फोर्स कहाँ लगती है, अब क्यों लगती है। जब तक ये जवाब नहीं आ जाता तब तक फिजिक्स के अंदर मैं कहूँ कि एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज़ इनकम्प्लीट। तो देखिए, जो जितनी भी फोर्सेज यूनिवर्स में हैं या यही चार फोर्सेज हैं, हर एक फोर्स अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो आप एक फंडामेंटल लॉ, एक फंडामेंटल रूल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए कहीं पे, अपने दुपट्टे के साथ, अपने बालों के साथ कहीं पे भी गांठ बांध लीजिए कि अगर अट्रैक्शन है देन देयर इज एन एक्सचेंज देयर ओवर। एक एक्सचेंज हमेशा वहाँ पे डेफिनेटली रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, मान लीजिए कि आज की डेट में आपने किसी को 1000 रुपीज़ जो हैं वो उधारे दे दिए, किसी ने आपसे बोरो कर लिए 1000 रुपीज़ की, भैया मुझे ज़रूरत है मुझे दे दो। तो आप क्या करेंगे कि आपने उसको दे दिया एक बार, यू विल एक्सपेक्ट कि वो आपको रिटर्न करे। अब बंदा नहीं बोल रहा है, आप 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसको मिलते रहेंगे, यू विल कीप कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन। आप चाहे उसको याद ना करवाएं, ऐसे ही बस याद आ रही थी मैंने तो कॉल कर ली भैया तुझे, है ना, रस्ते में कहीं मिल गया, अरे 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 रामलाल श्यामलाल जिस भी को आपने दिया आप उसको रोकोगे और उसको बुलाओगे। मीन्स यू विल कीप इन टच विद दैट पर्सन जब तक वो आपको रिटर्न नहीं कर देता। तो ये जो एक्सचेंज हुआ था उस एक्सचेंज ने आपके बीच में एक बॉन्डिंग बनाई, आप उससे बात करते रहे, आप उससे कम्युनिकेट करते रहे। एग्जैक्टली सेम हैपन इन एवरी बॉडी कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं देन डेफिनेटली देर इज एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल बिटवीन दैम। उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? फील्ड पार्टिकल। तो मैं यहाँ पे इस फोर्स का अगर फील्ड पार्टिकल बताऊँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट कर रही है तो इसका फील्ड पार्टिकल है ग्रेविटोन। उसको क्या नेम दिया जाता है? ग्रेविटोन। कि अगर दो बॉडीज हैं, चौक है डस्टर है, ये दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स से, वो अलग बात है कि आई एम नॉट फीलिंग दैट, अर्थ हम लोगों को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है अपनी तरफ अर्थ ने, तो वो दैट इज फीलिंग दैट इज बीइंग फेल्ट बाय अस, उसको हम फील कर रहे हैं। और ये जो फोर्सेज हैं ये किस वजह से हो रही हैं, क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? बिकॉज वी आर एक्सचेंजिंग ग्रेविटोन्स बिटवीन दैम, बिटवीन दीज टू बॉडीज, दीज बॉडीज म्यूचुअली एक्सचेंज दीज ग्रेविटोन्स। तो इन ग्रेविटोन्स की वजह से ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब जो ये वीक फोर्सेस हैं इनके अंदर एक्सचेंज होता है बोजोन्स का, डब्ल्यू बोजोन्स, जेड बोजोन्स, पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, इनका एक्सचेंज जो है वो किसको कॉज करता है? वीक फोर्सेस को कॉज करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, इनके अंदर जो एक्सचेंज होता है वो किसका होता है? चार्जेस का होता है, फोटोन्स का होता है। बेसिक इज दिस वन, चार्जेस, कि अगर एक बॉडी में से चार्ज निकल के दूसरी में चला गया, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स रादर, आप कह सकते हैं इसको और ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट करना चाहें आज की सिचुएशन के कंटेक्स्ट में, कि आजकल हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्री चार्ज जिसको हम सेपरेट करके एटम से बाहर निकाल पा रहे हैं, सबसे छोटा यही है। हाँ, जिस दिन क्वार्क्स को हमने आइसोलेट कर लिया उसके बाद डेफिनेशंस बदल जाएंगे, सिनारियोज बदल जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बींग आई कैन से कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द फंडामेंटल चार्ज विच कैन बी आइसोलेटेडली आइसोलेटर विच कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके अंदर चला गया उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने पॉजिटिव को नेगेटिव के क्लोज रखा हुआ है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो एक्सचेंज था दिस इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ चार्जेस, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाइए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बड़ी बात ये है कि हम लोगों को ये पता है कि जो न्यूक्लियस भाई साहब हैं, या जो मैं कहूँ कि न्यूक्लियस नाम का एक जो डब्बा है हमारे पास, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। एंड यू नो कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर बात की कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये प्रोटोन और ये प्रोटोन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये तो है ही न्यूट्रल, ये बेचारा क्या कर सकता है, इसके पास तो चार्ज नहीं है। तो ये रिपल्शन जो है इतनी ज़्यादा इन प्रोटोन्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी न्यूक्लियर फोर्स इज द मोस्ट मैं कहूँ कि कैपेबल फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, फिर भी ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्यों है, व्हाट मस्ट बी द रीज़न बिहाइंड इट। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये जो रिपल्शन है इसको ओवरकम करती हुई इससे भी कोई स्ट्रॉन्गर फोर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रही है और वो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर अट्रैक्शन है देन देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल, तो वो जो फील्ड पार्टिकल न्यूक्लियर फोर्सेज के केस में होता है उसको बोला जाता है पाई मिजून। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग सिंबल पढ़ते हैं पाई, तो उसी से इसको डिनोट किया जाता है पाई मिजून। अब होता क्या है, 1935 के अंदर युकावा थे जिन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि अगर आपको दो प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखना है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, आप इनको जोड़ के रखना चाहते हैं तो इनके बीच में एक नेगेटिव रख दीजिए, तो वो नेगेटिव इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट फोर्सेस वहीं पे एक दूसरे के साथ जुड़े रह जाएंगे। इसकी एनालॉजी क्या दी जाती है कि जो दो प्रोटॉन्स हैं उनको आप दो डॉग्स मानिए और जो बीच में आपने एक नेगेटिव पार्टिकल रखा, लेट अस सपोज दैट इज अ पीस ऑफ बोन, हड्डी का एक टुकड़ा, वो हड्डी का एक टुकड़ा एक तरफ से एक डॉग के माउथ में, दूसरे तरफ से दूसरे डॉग के माउथ में है, तो उस तरीके से वो दोनों डॉग्स एक उस हड्डी के टुकड़े को खींचने की कोशिश करते हुए एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, बाउंड फॉर्म में रहेंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं। तो ये जो इसी टाइप का एक्सचेंज यहाँ पे भी होता है कि जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं या बाहर जहाँ पे भी हैं, एवरी न्यूक्लियन हैज़ अ क्लाउड ऑफ पाइमिजोन्स अराउंड इट और वो पाइमिजोन्स एक्सचेंज होते रहते हैं इनके बीच में, जिसकी वजह से ये फोर्स जो है एग्जिस्ट करती है। मतलब मोर ओवर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि प्रोटोन प्रोटोन की रिपल्शन को भी डोमिनेट कर जाती है। तो ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था फोर्सेस क्या थी हमें समझ आ रहा है। इसके बाद ये है कि इन फोर्सेस की मेजरमेंट, क्योंकि फिजिक्स क्वालिटेटिव भी है और फिजिक्स क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया डेफिनेशंस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, इनके फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज पे आइए कि इसको फोर्स को मेजर कैसे किया जाएगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस तरीके से मेजर की जाएगी, आपको पता है न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम वन एंड एम टू आर मासेज ऑफ द बॉडीज, जिन दो बॉडीज के भी आप बीच में आप इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू बॉडीज। तो यहाँ पे ये जो जी होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। अब कमिंग ऑन टू यूनिट्स, इसके अगर आप यूनिट्स लेंगे दोज विल बिकम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वीक फोर्सेस की, तो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट होता है, उस कपलिंग कांस्टेंट की फॉर्म में आपको इसको मेजर करना होता है। तो ये होता है जी ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच कट सी स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं, आई एम जस्ट राइटिंग हेयर टू मेक यू अवेयर कि इसकी मेजरमेंट भी है। तो ये है एम W स्क्वायर H कट और इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। ये जो फॉर्मूला है इस फोर्स की मेजरमेंट के लिए होता है। ये जो W अभी मैंने आपको बताया था W बोजोन है, उसका सिंबल है मास ऑफ W बोजोन। H कट, H कट जो है यहाँ पे इट इज़ H अपॉन 2 pi। H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रखी होगी, तो ये उस वहाँ से आया है प्लैंक्स कांस्टेंट। C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये G जो है दिस इज़ कपलिंग कॉफिशेंट, जो कि हमें बताएगा कि वीक फोर्सेस की मेजरमेंट्स किस तरीके से होगी, कितनी होगी। अगर याद रह जाता है ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू बॉदर अबाउट दिस, क्योंकि आपको बेसिकली डील करना है, प्लस वन टू के स्टूडेंट्स डील करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर, और जो बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं दे डील विद अलोंग विद दीज टू, दे डील विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो अगर आपको ये ध्यान रहता है तो ठीक है, अदरवाइज बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। मोर ओवर एक एडिशनल नॉलेज है, आप इसको एग्जामिनेशन में अगर यहाँ पे इसी उतारा भी इसका कर देते हैं, यू कैन गेन गुड मार्क्स। तो अब देखिए कमिंग ऑन टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसकी मेजरमेंट करके हमें दी। एफिल टावर का नेम आपने सबने सुना होगा, तो वहाँ पे उनका नेम जो है वो वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मार्क्ड है उनका नेम, बिकॉज ही रिसीव्ड नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज फॉर इट्स मेजरमेंट। तो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया कूलम महाशय ने, 1/4 πε0 q1 q2 / r2। अब यहाँ पे देखिए
ये जो 1/4 pi epsilon naught है, दिस फैक्टर, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस पूरे फैक्टर की। Q1 और Q2 क्या है, चार्जेस हैं, R क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है। कमिंग ऑन टू अगेन न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज को फिर से मेजर करने के लिए वी विल बी यूजिंग कपलिंग कॉन्स्टेंट या फिर युकावा पोटेंशियल नेम से टर्म होती है, तो इसके लिए G² / H⁻⁶ कपलिंग कॉफिशियंट जो है वो यूज़ किया जाता है इसकी मेजरमेंट के लिए। तो ये तो थे इनकी इंट्रोडक्शन और इनका फील्ड पार्टिकल जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं, या मैं कहूँ और इसके साथ ही अलॉन्ग विद दिस इसकी क्वांटिटेटिव डिस्कशन विच गिव्स यू द फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। अब कमिंग ऑन टू कि इतना हमें समझ आ गया कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, क्यों ये फोर्स एग्जिस्ट करती है और किस पार्टिकल की वजह से एग्जिस्ट करती है, उसके बाद मैं कहूँ कि फोर्स की कैपेबिलिटी मेजर करने के लिए अगर मैं कहूँ 1, 2, 3 हो गया था, अगला फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, वो फोर्थ पॉइंट के अंदर मैं डिस्कस करूंगी कैरेक्टरिस्टिक टाइम। कैरेक्टरिस्टिक टाइम जो होता है ये क्या होता है कि कोई फोर्स कितनी देर में अपना असर दिखाती है, इट इज़ द टाइम इन विच दैट पर्टिकुलर फोर्स विल शो इट्स इन्फ्लुएंस। भी मान लीजिए ये मेरे पास एक डस्टर है और ये मेरे पास एक चौक है, सपोज़ आपने इनको वैक्यूम में रखा है, कोई आई एम सॉरी फॉर द स्टेटिंग टर्म वैक्यूम, मान लीजिए आपने इसे अर्थ की ग्रेविटी से कहीं बाहर निकाल दिया, आप किसी ऐसे स्पेस में वहाँ पे इनको ले गए हैं जहाँ पे इन दोनों की म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना हो, तो उस वक्त क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब कितनी देर में वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो फील करेंगे ये दोनों एक दूसरे की, दैट इज टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टाइम, और वो इस केस के अंदर 10⁻⁶ सेकेंड्स ईयर्स से लेके 10⁻⁶ सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन के डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज यहाँ पे यूनिवर्स में हैं और उन गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, हम कब किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करेंगे, कब उसका इफेक्ट हमें फील होगा, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस, सो इट मे टेक ईयर्स ऑल्सो। तो ईयर्स से लेके 10⁻⁶ सेकेंड तक की इसकी रेंज है, ये अपना असर दिखा सकती है। और जो कमिंग ऑन टू दिस फोर्स कैन शो इट्स इन्फ्लुएंस इन 10⁻⁻³ सेकेंड्स, -13 सेकेंड्स तक ये जो फोर्स है ये अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकती है। कमिंग ऑन टू दिस फोर्स, दिस कैन शो इट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम 10⁻⁴ सेकेंड्स टू 10⁻⁶ सेकेंड्स, कमिंग फास्टर होती जा रही हैं ये, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी फोर्स उतनी ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। एंड कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस 10⁻²³ सेकेंड्स, बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। अब रेंज की बात की जाए, क्योंकि हमने बार बार यहाँ पे ये कहा कि अगर डिस्टेंस होगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस डिस्टेंस तक, कहाँ तक अपनी मार रखती है, कहाँ तक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, सो इट हैज़ इनफाइनाइट रेंज, इसकी जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है। दो गैलेक्सीज एक बहुत दूर हों यूनिवर्स के अंदर, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, हम बिल्कुल अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं, अर्थ ने हमें अट्रैक्ट किया हुआ है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है दिस इज़ मैं कहूँ कि लिमिटलेस, ये हर जगह पर एग्जिस्ट करती ही करती है। अब ये फोर्स की रेंज अगर 10⁻⁴ हो गई है तो जो वीक फोर्सेज हैं इनकी रेंज भी हम कह सकते हैं कि कम होती है, दे कैन एग्जिस्ट ओनली अप टू एटॉमिक लेवल, 10⁻⁻ मीटर्स के डिस्टेंस तक ये एग्जिस्ट करती है। इनकी रेंज इंटरमीडिएट रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज की, इंटरमीडिएट मीन्स बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ये बड़ी एक मैं कहूँ कि संयम वाली फोर्स है ना, मतलब बहुत ज़्यादा उछल भी नहीं रही है अभी मुझे यहाँ तक जाना है ये करना है वो करना है, और बहुत ही ज़्यादा नीचे भी नहीं है कि मुझे अंडर एस्टिमेट भी मत किया करो, अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते एंड ओवर एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं है, तो ये है इंटरमीडिएट रेंज, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। कमिंग ऑन टू स्ट्रॉन्ग एंड न्यूक्लियर फोर्सेज, अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा उछलती है बहुत ही ज़्यादा हो हमें पता है उसकी लाइफ कम होती है, यहाँ पे लाइफ नहीं यहाँ पे रेंज की अगर बात करें, डिस्टेंस जो है बहुत छोटी रेंज, ओनली अप टू न्यूक्लियर डिस्टेंस, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁴ मीटर्स, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं ये सिर्फ न्यूक्लियर साइज तक ही अपनी मार जो है वो रखती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है इनकी, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन 6th प्रॉपर्टी कॉन्जर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, 6th वन, जो ये फोर्सेज हैं दीज फोर्सेज आर कॉन्जर्वेटिव इन नेचर,
अब कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज कौन सी होती हैं, जिन फोर्सेज के अगेंस्ट किया हुआ वर्क पाथ इंडिपेंडेंट हो। मतलब मान लीजिए आप अपने स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, या घर से स्कूल, स्कूल से घर, कॉलेज से स्कूल, कॉलेज से घर, कहीं भी वाट एवर, घर से मार्केट जाते हैं हर रोज सपोज आप ना, तो वो मार्केट से घर और घर से मार्केट जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता तो है नहीं। एवरी टाइम अगर आपको सिर्फ मार्केट से घर सेम लोकेशन से सेम लोकेशन पे जाने पे सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, तो जो आपने फोर्स लगाई वो फोर्स कंजर्वेटिव है। बट इफ़ यू फील लिटिल बिट टायर्ड अलोंग सम पाथ, और किसी पाथ पे आपको कम टायर्डनेस फील होती है, तो इसका मतलब वहाँ पे आपको वर्क कम करना पड़ा। और ऐसी फोर्स जिसके अगेंस्ट वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट हो जाए, उस फोर्स को बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज कंजर्वेटिव, वीक फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज अगेन आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। अगेन न्यूक्लियर फोर्सेज और स्ट्रांग फोर्सेज आर ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब जो फोर्स कॉन्जर्वेटिव होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट फोर्स इज सेंट्रल ऑल्सो। सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसे दो पार्टिकल्स हैं, उन दो पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही। मान लीजिए आपने मुझे धक्का मारा, धक्का मार के मैं सिर्फ इसी डायरेक्शन पे हूँ, अब खींचे सिर्फ इधर ही मूवमेंट करूँ, तो ऐसी फोर्स सेंट्रल फोर्स होगी। आपने धक्का मुझे इधर मारा, मैं चलना इधर शुरू हो गई, तो वो जो फोर्स लगी वो फोर्स नॉन सेंट्रल होगी। अब डेफिनेटली आपको जो सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं और वो ज़्यादातर सेंट्रल फोर्सेस की कैटेगरी में ही आती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। ये सेंट्रल फोर्स है, और जो मैं वीक फोर्सेस की बात करूँ दिस इज नॉन सेंट्रल फोर्स। अगेन मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, दिस इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। ये भी दो पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही एक्ट करती है। एंड कमिंग ऑन टू न्यूक्लियर फोर्सेज, दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज। अब जो फोर्सेज सेंट्रल होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करती हैं। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जो वो फोर्स है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1/r². अब इसका क्या मतलब है, r इज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, उसके इनवर्स और स्क्वायर के फॉर्म में वेरी करने वाली फोर्स। मीन्स आपको आप इसको 2 times करेंगे तो फोर्स 4 times रिड्यूस हो जाएगी। आपने दो बॉडीज हैं, उन दो बॉडीज को 2 times ज़्यादा दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो फोर्स 4 times घट जाएगी, 4 times रिड्यूस हो जाएगी। ऐसी फोर्सेज को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाली फोर्सेज। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। एंड दिस फोर्स डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड दिस अगेन डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसके बाद एक जो पॉइंट बचता है दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। हमने इतना तो डिस्कस किया है कि ये वाली इंटरमीडिएट रेंज डिस्कस की है कि ये किस रेंज तक, ये किस रेंज तक, ये किस रेंज तक, मैंने एक हायरार्की के अंदर ही इनको लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रांग ये वाली हैं, ऑल्दो नाम इनका वीक है लेकिन सबसे ज़्यादा वीक ये है। यहाँ पे ये आपको मैं कहूँ कि गुमराह करने की कोशिश ज़रूर थोड़ी सी है कि ये सबसे ज़्यादा वीक, ये उससे थोड़ी स्ट्रांग, ये उससे स्ट्रांग और ये सबसे स्ट्रांग, लेकिन इतना ये स्ट्रांग वो वीक ऐसे से तो फिजिक्स सेटिस्फाई होती नहीं। आपको विद डाटा बात करनी होगी, आपको जस्टिफाइड बात करनी होगी, आपको मैथमेटिकली बताना होगा कितना। तो देखिए अगर मैं इसको, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसको अगर मैं 1 अज्यूम करती हूँ, लेट अस सपोज कि जो ये वाली फोर्स है मैं ये मान लूँ कि इसकी कैपेबिलिटी 1 है। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं रिलेटिव अगर स्ट्रेंथ को मैं 1 मानूँ, तो ये वाली जो फोर्स है ये इससे 10^25 स्ट्रॉन्गर है, और ये वाली फोर्स इसी ग्रेविटेशनल से 10^36 स्ट्रॉन्गर है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज स्ट्रॉन्गर 10^38 एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल। ये हमने ग्रेविटेशनल के साथ सबका कंपैरिजन कर दिया है। मींस अगर आप रेशो लिखना चाहें इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की रेशो 1:25:10^36:10^38, so this is relative strength of all these forces।
तो ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, दे गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन दीज ऑल फोर्सेज, चारों की चारों फोर्सेज की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। कमिंग लेक्चर्स के अंदर मौका मिलता रहा, आप लोग रिस्पॉन्स देते रहे, तो इनको इंडिविजुअली भी अकेली अकेली फोर्स को हम पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।